अजमेर के नए सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी की गई लिस्ट में अजमेर की निवर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी को केकड़ी चिकित्सालय में लगाया गया है, तो वही अराबी सीएमओ अनुज कुमार को अजमेर में तैनात किया गया। आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो इस मौके पर शुभकामनाएं देने वालों का भी तांता लगा रहा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमएचओ अनुज कुमार ने बताया कि अजमेर जिला स्वास्थ्य सेवाएं देने में बेहतर रहा है और नए नए आयाम भी स्थापित किए हैं। इस कार्यशैली को और अच्छा किया जाएगा जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच सके। इसे लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की जाएगी और जो कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए जनता को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अजमेर जिले में सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। मेरी प्राथमिकता रही कि अजमेर शहर के जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उसमें जो हमारे राज्य स्टेट लेवल के जो निर्धारित है उसको हम अचीव करें और एक बेहतर अच्छे नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य की संकल्पना करते हैं कि उनको अच्छा स्वास्थ्य अच्छा हेल्थ मिले। सर, एक इस तरह के ये बिल्कुल किस तरीके से मतलब इसको निभाई जाएगी? बिल्कुल मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और मेरे प्राथमिकताओं में ये काम रहेगा कि अजमेर शहर में कोई भी ऐसा बीमार नहीं रहे और सबको हेल्थ मिले, सब निरोगी रहे। सर, राज्य सरकार द्वारा योजना चल रही है जैसे पोलियो उसमें आपको क्या प्रोत्साहन? जो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं राज्य सरकार के उसमें वैसे तो अजमेर अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन हम चाहेंगे जहां पर भी हम पिछड़ रहे या जो हेल्थ इंडिकेटर्स जिसमें हमको ज़रूरत है उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे, दिन रात एक करके हेल्थ इंडिकेटर को हम सुधारेंगे।